यहाँ पे यूक्रेन में होता था, कॉल्ड हॉस्टल्स होते थे लड़कों के लड़कियों के, यहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल अलग है, लड़कों के हॉस्टल अलग है। कलम वहाँ से एयरपोर्ट से आए तो लड़कियों की बस अलग जा रही थी, लड़कों की बस अलग जा रही थी। गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ डॉक्टर कुबेर शर्मा। आई एम ट्रेवलिंग टू किर्गिस्तान बिश्केक टुडे। आज की ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि हाउ आई एंडेड अप स्टडिंग इन किर्गिस्तान फ्रॉम यूक्रेन। स्टे ट्यून्ड। तो हमने इमिग्रेशन कंप्लीट कर ली है। संडे होने के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें 2.5 घंटे लग गए सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर करने में, और मेरी बोर्डिंग का टाइम ऑलरेडी पास हो चुका है, पर हमारी चार्टर फ्लाइट होने के कारण सारे स्टूडेंट्स ही लेट थे, तो इस वजह से हमारी फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है। तो जा रहे हैं हम, गेट नंबर 14 है, वैसे ही बहुत दूर है वो, देखते हैं आगे क्या होता है। जी, तो फाइनली मैं एरोप्लेन में पहुंच गया हूँ, सक्सेसफुल हो गया है। और एरोप्लेन को टेक ऑफ करो है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है। फ्लाइट ठीक ठाक सी है, इकोनॉमिक टाइप है, कोई इतनी खास नहीं है। पर सबसे अच्छी बात थी कि जो मेरे साथ वाली पैसेंजर सीट्स थी वो बिल्कुल खाली थी तीनों की तीनों, तो आराम से मैं रिलैक्स लेटता जाऊंगा। खाने में इन्होंने मील में दिया है चिकन सैंडविच और साथ में कोका कोला। अब देखते हैं, 1 घंटा हो चुका है, अब 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 3 घंटे की फ्लाइट थी डायरेक्ट, मिलते हैं बिश्केक में। 5 बज गए हैं, बिश्केक पहुँच गए हैं। इंडिया से हम अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे फ्लाई करे थे और 5-5:10 में हम बिश्केक में लैंड हो जाएंगे। पूरे पूरे 3 घंटे लिए हैं फ्लाइट ने। फ्लाइट ठीक थी, कोई टर्बुलेंस नहीं थी, आराम से मैं सोता है हूँ। अबे बाहर सीन देखिए कितना प्यारा, बर्फ पड़ी है बाहर, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी आप एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं, बिश्केक का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू किर्गिस्तान बिश्केक। बिश्केक में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, 8-9 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। बस अभी 10 मिनट पहले लैंड किया है। इमिग्रेशन बहुत ईजी थी, उसने बंदे ने वीज़ा तक भी नहीं देखा, सीधा स्टेप कर दिया, क्योंकि इतनी टूरिस्ट आता नहीं यहाँ पे। और अब सिम लिया मैंने, 220 सोम का सिम पड़ा है। 220 सोम में उन्होंने 50 GB इंटरनेट दी है, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड SMS। अब जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, देखते हैं कैसा है शहर। ये बिश्केक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ जी, तो हम बिश्केक आ चुके हैं। रात को एयरपोर्ट से आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब अगला दिन हो गया, सुबह सुबह की कॉफ़ी लेने आया हमारी कानों। तो एक्चुअली मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, तो मैं कैपेचिनो मतलब दूध वाली कॉफ़ी नहीं पी सकता, तो ये अमेरिकानो भी ब्लैक है विदाउट मिल्क। इसका प्राइस पड़ा 150 सोम्स, जो इंडिया इंडियन रुपीज़ के इक्वल 150 रुपीज़ ही पड़ी। तो मैं बताना चाहूँगा कि किर्गिस्तान के बारे में बताऊँगा। किर्गिस्तान एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्री है। नॉर्थ में इसके कजाकिस्तान पड़ता है, वेस्ट में इसके पड़ता है उज़्बेकिस्तान, ईस्ट में पड़ता है ताजिकिस्तान, और जो साउथ वाली साइड है वहाँ पड़ता है चाइना का बॉर्डर। कजाकिस्तान यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल पास है, बिश्केक से 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और उज़्बेकिस्तान है अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर दूर। मैंने किर्गिस्तान क्यों चूज़ करा, वाई आई चूज़ बिश्केक, मेन रीज़न था, पहली मेरी प्रेफरेंस थी जॉर्जिया, पर जॉर्जिया में वीज़ा में अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ लग जाता है। अगर मैं वीज़ा की वेट करता रहता
मेरा सेमेस्टर ओवर हो जाता और मुझे सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने किर्गिस्तान चूज़ करा, बिश्केक। बिश्केक में यूनिवर्सिटी है, ISM, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये चूज़ करा है। यहाँ की ईयरली फीस पड़ी है मुझे $5,500, और बाकी जो ट्रांसफ़र का खर्चा है, फ्लाइट थी डायरेक्ट दिल्ली से बिश्केक, 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, खर्चा भी उसका ज़्यादा नहीं था, 30-32 हज़ार की फ्लाइट पड़ी। वो मेन दिक्कत हमें क्या हुई कि हमें किर्गिस्तान, यूक्रेन से किर्गिस्तान आना पड़ा। जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया, हमें प्रॉमिस किया कि दे लेट अस कंटिन्यू MBBS इन इंडिया, पर जैसे ही हमारे 2-3 महीने बीते तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ही बैक ऑफ कर गई कि हमारे कैरिकुलम से मैच नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे, मतलब बहाने देने लग गई और हमें पीछे बिल्कुल ही बैक ऑफ कर दिया। कोई हेल्प नहीं करी इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें, एडमिशन्स में। तो उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए थे बेसिकली। पहला ऑप्शन नंबर 1 था हमारा कि हम यूक्रेन में ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडीज कंटिन्यू करें। दूसरा ऑप्शन था कि वी कैन चूज फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि जो हमारी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी होगी वो यूनिवर्सिटी होगी, मतलब डिग्री हमें जिस यूनिवर्सिटी में हम यूक्रेन में पढ़ रहे थे वहाँ पर वही डिग्री मिलेगी और हम स्टडीज़ किसी और कंट्री से कंटिन्यू करेंगे। उस कंट्री में मोबिलिटी के अंडर आ रही थी, कई कंट्रीज थी जैसे जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। और थर्ड ऑप्शन था उसमें से ट्रांसफ़र का। तो पहले तो मैं 1-1.5 महीना वेट करता रहा कि भाई नॉर्मल होएगा, नॉर्मल होएगा। मैंने वीज़ा लगवाया, सब कुछ हो गया। मैं पिछले मंथ एक्चुअली जाने लगा था मंथ एंड में, पर जब मेरी फ्लाइट थी उससे ही 4-5 दिन पहले वहाँ पे बम्बार्डिंग हो गई, तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर। तो इस वजह से मैंने बिश्केक चूज़ करा, किर्गिस्तान। बाकी अब देखते हैं, बाकी यहाँ पे सही है लाइफ भी। ये देखिए कैफे है, अच्छा कैफे है। ये भैया है हमारे साथ हैदराबाद से भी, यूक्रेन से है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सलमान है, सलमान है भाई का मैं नाम। यूक्रेन का ही ये स्टूडेंट हूँ। उस ग्राउंड में पढ़ते थे। ये कैफे है, सही है, अच्छी वाइब्स है। बाकी अब तो आए हैं, अभी 1-1.5 महीने में पता लगेगा कैसा सीन है, क्या है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।